बिस्मिल्ला रहिम असल नाजीन आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आपके साथ मंजूर और इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के आखिरी गाँव गुगलडारा के घने जंगलात से और गुगलडारा के इस ग्राउंड से सबसे पहले आपको इस इलाके के बारे में बता दें क्योंकि अभी तक ये इलाका चूस्मे पे नहीं आया है लेकिन अगर इस इलाके की खूबसूरती को बयां करें तो मुझे लगता है कि लफ्ज़ कम पड़ जाएंगे आपको बता दें कि चारों तरफ जंगलात की लपेट में ये गुगल डारा कहलाता है और गुलमर्ग से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर यह वाक्य है और शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला का आखिरी गांव है यहाँ के इस इलाके के बारे में ये बात भी मुझे लगता है यहाँ पर कहनी जरूरी है यहाँ पर कुदरत ने इस इलाके को घने जंगलात के साथ साथ पानी के हसीन और खूबसूरत दिलकश से नवाज के रखा है यहाँ के पानी के हवाले से यह भी कहा जाता है कि यहाँ का पानी एक मुर्दा रुख को भी जिंदा कर सकता है पराल आज मेरे साथ डिग्री कॉलेज बीरवा के वो किराम है और साथ ही साथ वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आज यहाँ पर फ्री इंडिया रन का रन में हिस्सा लिया और जैसा आप जानते हैं कि एक जहीन दिमाग तभी हो सकता है जब आप फिजिकली फिट हो सकते हैं यानी फिजिकली जब फिट होंगे तभी जाके आपका दिमाग भी सही से काम करेगा ये एक मशहूर कहावत भी है और इसी सिलसिले में आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीरवा की से एक रन रेस का भी इनका किया गया साथ ही साथ इस पुरमनोहर खूबसूरत इलाके में क्लिननेस ड्राइव भी चलाई गई जहाँ पर ये पॉलिथीन वगैरह जो है वो जमा करके एक लिफाफे में जमा किए गए साथ ही साथ ये भी मैं आपको मुनासिब समझूंगा यहाँ पे बोलना जब भी आप किसी ऐसे मकाम पर जाते हैं जहाँ पर हवा से जहाँ पर आप वक्ती तौर सुकून हासिल करते हैं जब भी आप ब्लेज वगैरह वहाँ पर खाते हैं तो याद रखें सबसे पहले इन सब फजूल चीज़ों को ठिकाने लगाने की कोशिश करें मेरे साथ मौजूद हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीरवा के फिज़िकल डायरेक्टर कयूम सर सर बहुत शुक्रिया आपका इतने दूर दराज इलाके से आप आए और इसी इलाके को चुना जो कि कुदरत की इस कारीगरी से माला माल है तो यहाँ पर आपने क्लीनस ड्राइव भी चला ली साथ ही साथ जो लड़कियाँ हैं ख़ास खा, तौर पर लड़के भी हैं उन्होंने भी इस आ, रेस में हिस्सा लिया एक रन शो का इनका किया गया साथ ही साथ क्लीस ड्राइव भी करगी तो क्या समझते हैं आज आज जहाँ टेक्नोलॉजी का दौर है हर इलाके में बेदारी है। ये पता है कि अपने माहौल को कितना साफ सुथरा रखना है तो क्या लगता है अभी भी बुनियादी लेवल पर अभी भी प्रोग्राम इस जैसे प्रोग्राम जो है उनका इनका ज़रूरी है जी शुक्रिया मंजूर साहब असल आपको मैं बता दूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड सपोर्ट्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया था 2020 में फिट इंडिया फ्रीडम रन को इनका करने का मनकद करने का हर महज पे चाहे वो स्कूल लेवल हो कॉलेज लेवल हो या कम्युनिटी लेवल हो तो उसी मुनासिबत से ये चला आ रहा है 2020 से और आज हम 23 की जो फिट इंडिया फ्रीडम रन है उसका इनका कर रहे हैं जो कि हमने अभी कंक्लूड की तो हमने सिलेक्ट किया इस साल हमारे कॉलेज ने इसी साइट को इसी इलाके को द्वारा से बदरकोट तक हमने ये जो रन है इसको हमने चलाया तो मकसद यही है इसके पीछे एक्चुअली 2020 में जो दो नेशनल इंपॉर्टेंस के जो इवेंट्स थे एक गांधी जयंती सेकेंड अक्टूबर को और इंडिपेंडेंस डे तो उस लिहाज से नहीं उसी की वजह से मतलब उसको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिट इंडिया फ्रीडम रन को इसका इनका किया तो साथ ही साथ स्वच्छ भारत का अभियान जो है वो भी चलाया तो तब से ये जो दो इवेंट्स है फिट इंडिया फ्रीडम रन और स्वच्छ भारत अभियान के मुख्तिक एक्टिविटीज जो हैं ये साथ साथ चल रही है तो इसके पीछे जो मकसद है मुदा है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो यही है कि एक तो हेल्दी एंड फिट सिटीजन हमारे माशरे में हमारी कम्यूनिटीज़ में हमारे कंट्री में यानी जयपन पर बिल्कुल तो दूसरा हमारा जो इन्वयमेंट है वो साफ़ रहे सुथरा रहे हुँ। तो यही कॉन्सेप्ट लेके इस फ्रीडम रन को या इस स्वच्छ स्वच्छता को या इस क्लिनलेस ड्राइव को जो हमने यहाँ पर इनका किया है लेकर के किया है ताकि हम यहाँ से ये अपने दिमाग में अपने जहन में जहन कर ले ये बात कि सफ़ाई की कितनी ज़रूरत है और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल की कितनी ज़रूरत है अगर हम देखेंगे तो पिछली बार भी हमने बहुत सारी जगहों का यानी सिलेक्शन किया हमने जहाँ पर हमने क्लीननेस ड्राइव की और वहाँ पर हमने फ़िट इंडिया फिट रन भी की तो इस साल हमने इसी गोगल्डोरा एरिया को चूँकि ये जो ख़ास यहाँ पर ए, इलाका है ठीक ठाक टूरिस्ट आप यहाँ पर आ रहे हैं ज़्यादा नहीं आ रहे हैं लेकिन खास तौर ये जो इलाका है यहाँ पर ज़्यादा एक जो क्रिकेट ग्राउंड है इस इलाके का यहाँ पर ज़्यादा बच्चों का आना जाना रहता है नौजवान का जाना आना रहता है तो उसकी वजह से हमने सोचा कि यहाँ पर भी प्लास्टिक या जो चिप्स के जो बाकी ये उसके डिस्पोज होते हैं वो उनको हम प्रॉपरली डिस्पोज यहाँ पर करें उनको उठाएँ तो साथ ही में यहाँ की जो कम्यूनिटी को उसको उनको हम अवेयर करें कि इन चीज़ों से कितना नेगेटिव ने इम्पेक्ट हमारी ज़िंदगी पर आ सकता है तो इनको प्रॉपरली डिस्पोज करना करने का जो तरीका है वो क्या है कि एक सेंस एक सिविक सेंस आप अपने आप में उजागर करें तो एक तरफ से आप अपने बच्चों में ये सिविक सेंस उजागर करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ तमाम कम्युनिटी को तमाम जो हमारे इलाक़े के रहने वाले हो या कंट्री के हो उनसे हम चाहते हैं कि वो ये जो सेंस है अपने अंदर डेवलप करें तो यही निचोड़ है मकसद है इस फिट इंडिया फ्रीडम रन का ताकि हम हेल्दी लाइफ स्टाइल और स्वच्छता जो है इस पर हम फोकस कर पाए ताकि हमारा जो इंडिया है वो स्वच्छ इंडिया हो और फिट इंडिया हो फिट सिटी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर हम चाहेंगे कि इन फ्यूचर आप ऐसे प्रोग्राम्स लगातार करते रहें ताकि कौम को एक बेहतर मैसेज जाए जैसे आपने कहा सर कि एक सेंस पैदा हो जाए कि कितना किस चीज़ आ, समाज के लिए कितनी मुजिर है और किसका कितना फ़ायदा बहुत बहुत शुक्रिया सर चलिए ये थे हमारे साथ फिजिकल डायरेक्टर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीरवा और आज गूगल डारा के इन हसीन जंगलात में गूगल डारा की इस खूबसूरत जगह पर गूगल डारा टू बुद्रकूट एक रन शो भी किया गया साथ ही साथ क्लीनस ड्राइव भी चलाई गई जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बड़गाम वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में आता है और दूर इलाके से आकर इसी इलाके को मंतखब किया गया जहाँ पर ये ड्राइव चलाई गई साथ साथ आप देखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरीके से नई नई बीमारियां जन्म लेती है और जिस तरह ये बात वाजिया है कि पाकी नस्ब ईमान है यानी आपका ईमान तब तक नामुकम्मल है जब तक ना आप साफ सफाई का खास ख्याल रखते हैं इसलिए ये सब बातें आप जे नशीन कर लें अपने बच्चों को बचपन से ये बात सिखाएं कि सेहत मंद रहने के लिए सफाई का खास ख्याल रखने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और यहाँ पर यह बात भी है मैं अपने इलाके के लोगों को बता दूँ आप ये ना समझे कि आपको अल्लाह सुबह वातला ने चारों तरफ जंगलात से नवाजा है तो अगर आप कोड़ा करके डालेंगे भी तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन सफाई ज़रूरी है सफाई नसफ ईमान है और जब तक आप सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं तब तक आपका ईमान भी नाम मुकम्मल है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं सलाम इन स्टूडेंट्स को जो दूर दराज इलाके से आए और एक मैसेज देना चाहते हैं कौम को कि सफाई का कितना अहम एह सफाई कितनी ज़रूरी है समाज में और सफाई के बिना आपका जीना बहुत मुश्किल है और साथ ही साथ अगर आप फिट रहना चाहते हैं आप हेल्दी हेल्थ चाहते हैं तो उसके लिए आपको सुबह सवेरे जागना है उठना है दौड़ लगानी है और आपके अपने جسم के हर अंग को मजबूत करना है आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन के लिए شمالی कश्मीर के बारामूला के दूरदराज इलाके गुगलदारा से मैं मंजूरडार तो so, बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए जी हम जी डी सी भीरवा के स्टूडेंट्स से खासकर हम एन एस एस के यूनिट से आए हैं तो ये बहुत ही एक बेहतरीन ड्राइव हमने यहाँ पे की जिससे कि हमारे हेल्थ पे भी बहुत बड़ा असर है तो हम हम आप सभी को भी ये मैसेज देते हैं कि अपने जो सराउंडिंग्स से उनको क्लीन रखिए सो ये मेरी मैसेज है फ़र्स्ट ऑल ऑफ यू एक्सेप्ट अलकम वरह माई नीम इस नूबर महदीन टुडे वे एट गोगल डोरा वे इस्पेशली दूडेंट्स ऑफ बीवा कॉलेज डिगरी बीवा कॉलेज इस्पेशली ये एन एस एस वॉलेंटियर्स एन एस एस वॉल्टियर्स हम यहाँ पर आए हमने बहुत सारे कूड़ा कर कर यहाँ से उठाया इस uh, इसका यही मकसद है कि हम अपने माहौल को साफ सुथरा रखें हमारा माहौल ही हमारा लाइफ है जब हमारा माहौल अच्छा होगा तभी हम अच्छी ज़िंदगी uh, गुजार पाएंगे hmm. और जब हमारा माहौल ही साफ़ नहीं है तो हम अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजार पाएंगे सो इन्वॉर्मेंट इज़ और पार्ट ऑफ लाइफ इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ और लाइफ थैंक यू सो मच इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ साथन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब बेवलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण